हेलो एंड वेलकम टू पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना 9th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था साउंड, उसको स्टार्ट कर रखा था और उसमें हमने बता दिया था साउंड की डेफिनेशंस वगैरह बता दी थी, प्रोपेगेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वेव्स के बारे में बता दिया था, मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और जो साउंड है हमारी कौन सी वेव के अंदर आती है, जो साउंड वेव्स होती हैं हमारी कौन सी वेव के अंदर आती हैं, वो आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर। और देखो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं उसके आगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बताया था, इससे पहले हमने देखो ये बताया था कि किस मीडियम में साउंड का प्रोपेगेशन ज़्यादा होता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। और ये तो हमने बता ही दिया था कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, उसको क्या चाहिए, एक मटेरियल मीडियम चाहिए साउंड के प्रोपेगेशन के लिए। अब देखो फिर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और वैक्यूम, सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल है, ट्रैवल करती है जो साउंड है सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है, सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद क्या है, गैस में। ये सॉलिड में क्यों करती है, क्योंकि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं और वहाँ से ज़्यादा जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। मान लीजिए ये देखो यहाँ ये पार्टिकल्स हैं, ये क्लोज हैं और ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा और फिर यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये वाला इसको कर देगा जल्दी, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो पास हैं और यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगा। इसलिए क्या है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है क्या, साउंड, और उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसेज में। क्योंकि गैसेज में क्या है, देखो पार्टिकल्स बहुत दूर हैं, उनको जब ये एनर्जी यानी जो साउंड वेव्स वो ट्रैवल वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्या है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सॉलिड में ट्रैवल करती है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस में। नेक्स्ट देखो क्या है, ये देखो यहाँ पर ये स्पीकर है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या है, स्पीकर है और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ देखो जब ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर क्या होती है, इसकी मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन कैसे वाइब्रेट करती है, वो मेम्ब्रेन ऐसे वाइब्रेट कर रही है स्पीकर की जब ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो ये पार्टिकल्स यहाँ क्लोज है, कहीं क्लोज है और यहाँ क्या है, पार्टिकल्स में गैप है, फिर आगे जाके क्लोज, फिर आगे जाके गैप, यानी यहाँ पार्टिकल्स पास हैं और यहाँ दूर हैं, यानी यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि पार्टिकल्स क्या हैं, पास हैं। जब ये मेम्ब्रेन स्पीकर की ऐसे वाइब्रेट करेगी मेम्ब्रेन स्पीकर की, तो क्या एक बार कंप्रेशन क्रिएट होगा, फिर नेक्स्ट रेयरफ्रैक्शन, यानी क्या है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो हाई, यहाँ पर डेंसिटी लो, हाई डेंसिटी लो, यानी कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन। तो ये क्या है, ये जब स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है तो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पर कंप्रेशन क्योंकि पार्टिकल्स क्या हैं, पास हैं और यहाँ क्या होगी फिर डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर डेंसिटी कम, डेंसिटी ज़्यादा। अब इसी को देखो प्रेशर के टर्म्स में कैसे रिलेट करेंगे, प्रेशर के टर्म्स में देखो, अब यहाँ पर देखो जहाँ पर कंप्रेशन है तो वहाँ पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कंप्रेशन है तो प्रेशर ज़्यादा। अब रेयर फ्रैक्शन आ गया तो यहाँ पर प्रेशर कम है, फिर से कंप्रेशन आ गया प्रेशर ज़्यादा, रेयर फ्रैक्शन केस में क्या है, कंप्रेशन कम है, रेयर फ्रैक्शन के केस में क्या है, पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, और कंप्रेशन के केस में क्या है, पार्टिकल्स पास रहते हैं और वहाँ पे प्रेशर हाई होता है। ठीक है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन फिर रेयर फ्रैक्शन। और इस चीज़ को क्या है, जो डेंसिटी और ग्राफ के अंडर जो ये आ रही हैं वेरिएशंस, इनको कैसे ग्राफ के अंडर हम कैसे वो करेंगे, क्या नाम है, ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। देखो ये कोई ये हमने ले लिया ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, प्रेशर हाई या डेंसिटी हाई, स्टार्टिंग में क्या है, प्रेशर और डेंसिटी हाई, प्रेशर हाई, डेंसिटी भी हाई है, हाई
उसके बाद क्या रिफ्रैक्शन आ गया, लो डेंसिटी लो और प्रेशर भी लो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है कंप्रेशन आ गया, यानी प्रेशर हाई और डेंसिटी भी हाई। फिर क्या है प्रेशर लो और डेंसिटी भी लो। उसके बाद क्या है प्रेशर हाई प्रेशर लो। यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन के केस में क्या है, रेयर फ्रैक्शन के केस में क्या है, जो प्रेशर है वो लो। इसको ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये था स्पीकर, यानी जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्या है कंसेक्यूटिवली कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस क्रिएट होते हैं। उसको हमने कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा होती, कहीं पर प्रेशर ज़्यादा होता है, कहीं पर डेंसिटी कम होती, कहीं पर प्रेशर कम होता है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट देखो, अभी हमने बताई दिया था द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं हमारी। अब देखो, जब हम स्प्रिंग को क्या है, स्प्रिंग को क्या करते हैं, दोनों एक ऐसे पुश करते हैं दोनों तरफ से, तो उसमें क्या कंसेक्यूटिवली कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस क्रिएट होते हैं। यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशंस। तो इसका मतलब क्या है कि जो जहाँ पर कंप्रेशंस और यानी रेयर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, वो कौन सी वेव्स होती हैं हमारी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखो यहाँ से भी पता चलेगा हमें, यहाँ से देखो क्या है, यहाँ पर कोई मान लीजिए स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है स्पीकर लगा हुआ है, और वो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, तब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं ना, जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करेंगे। जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। यहाँ के पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे हैं, फिर यहाँ थे पार्टिकल्स उनको एनर्जी मिली, फिर यहाँ वाले पार्टिकल्स आगे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे हैं, जो यहाँ पार्टिकल्स थे फिर आगे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स आगे मूव नहीं हो रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं हो रहे। अब देखो यहाँ पर जो वेव है, वेव तो ऐसे जाएगी, और जो पार्टिकल्स का हमारा मूवमेंट है वो भी क्या होगा, बैक एंड फोर्थ। तो इससे यहाँ पर क्या है, जो वेव का मोशन है और पार्टिकल का मोशन है वो आपस में पैरेलल हैं, और जहाँ पर पैरेलल होता है वो कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसलिए साउंड वेव्स क्या है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो क्या लिख रखा है, इन साउंड वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी क्या है, जो वेव है और वेव का मोशन है और पार्टिकल्स का मोशन है वो आपस में क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। जो ये पार्टिकल्स अभी बताया है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, बट जो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स हैं यहाँ के वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं, यानी बैक और फोर्थ मूव कर रहे हैं, बट जो वेव है यानी जो पार्टिकल्स वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वेव का मोशन आगे की तरफ हो रहा है। दिस एग्जैक्टली हाउ ए साउंड वेव प्रोपेगेट्स, हेंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि साउंड वेव्स कैसी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। देखो फर्स्ट क्या है इसमें, वेवलेंथ। ये कोई भी वेव ले ली हमने, कोई ट्रांसवर्स वेव नहीं है ये, मान ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है, नॉर्मली कोई भी वेव ले ली हमने। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव को हम इस वेव से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इनकी डेफिनेशंस। फर्स्ट क्या है देखो, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ। एक वेव कहाँ से, यहाँ तक पूरी हो जाती है,
इसका मतलब क्या है, एक वेव की लेंथ। वेव लेंथ का मीनिंग क्या है, एक वेव की लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए। या फिर क्या है, डेफिनेशन में देखो क्या लिख रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। अब देखो पीछे बताया था क्रस्ट्स, ये वाले क्या होते हैं, ऊपर वाले क्रस्ट होते हैं, और ये जो नीचे है ये क्या होते हैं, हमारे ट्रफ। अब देखो वेवलेंथ क्या बता रखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और या फिर ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ। यानी ये वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्ब्डा से। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लैम्ब्डा से। यानी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस या फिर टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, हमारी वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये टू कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, यानी इस क्रस्ट के बाद क्या है ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, वेवलेंथ। ये था वेवलेंथ, इसके ऐसा ही एक टाइप का डिस्टेंस ही है ये, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई इसकी, मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो गई इसकी, मीटर। नेक्स्ट और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, एम्पलीट्यूड। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मेन पोजिशन एंड एनी ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन। अब मेन पोजिशन हमारी ये हो गई और एक्सट्रीम जो पोजिशंस हैं वो कौन सी हैं, या ये है या फिर ये है। अब ये क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मेन पोजिशन एंड द एक्सट्रीम पोजिशन। ये मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक का क्या है, डिस्टेंस है। यानी ये क्या हो गया हमारा, एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, ए से। ये एम्पलीट्यूड हो गया, या फिर ये क्या है, मेन पोजीशन और यहाँ के एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, ये। तो ये क्या होगा हमारा, एम्पलीट्यूड। और एक ये भी एक टाइप का क्या है, डिस्टेंस ही है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। और सीजीएस वही सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है देखो, यानी मान लो, देखते हैं एक बार, ये कोई वेव ले ली हमने, ठीक है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने, ये क्या ले ली, कोई वेव ले ली और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, ये पॉइंट है। अब एक वेव को इस पॉइंट से पार होने में कितना टाइम लगेगा वो क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड। यानी एक वेव को, एक वेव कौन सी हो गई, ये हो गई एक वेव, पूरी एक वेव ये हो गई। यानी इस वेव को इस पॉइंट से पास होने में जितना टाइम लगा है वो क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड। यानी इस वेव को इस पॉइंट से पास होने में जितना टाइम लगा है वो क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड। इसकी डेफिनेशन देखो, अब द टाइम टेकन बाय अ वेव टू ट्रैवल ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। यानी ये भी वेवलेंथ ही होती है हमारे पास। और क्या है देखो, द टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वेव टू पास थ्रू एनी गिवन पॉइंट ऑफ द मीडियम। यानी जो पॉइंट है यहाँ पर, इस एक वेव को इस पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगा है वो क्या है हमारी, वो क्या है हमारा, टाइम पीरियड। इसकी टाइम है तो ऑब्वियसली क्या है, जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकंड होगी। थर्ड देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है देखो, द नंबर ऑफ वेव्स। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, ये पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर कोई भी। अब इसमें देखना है कि इस पॉइंट से कितनी वेव्स ट्रैवल हुई हैं एक सेकंड में। अब क्या है यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया है और ये देखना है कि एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है।
क्या है वो फ्रीक्वेंसी, यानी इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी भी वेव्स पास हुई हैं वो क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर टू वेव्स पास हुई हैं मान लीजिए तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी टू। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ये ऐसे टेढ़ा वी है, इसको क्या बोलते हैं न्यू, क्या बोलते हैं इसको न्यू, क्या बोलते हैं इसको न्यू। देखो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ द मीडियम इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यानी एक इस पॉइंट से एक सेकेंड में जितनी भी वेव्स पास हुई हैं उसको क्या बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। ठीक है, अब फोर्थ देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है हर्ट्ज। एक हर्ट्ज के नाम का साइंटिस्ट था, उसी पर इसकी ऐसा यूनिट रख दी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है हर्ट्ज। और जो टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है वो क्या होता है टी इज इक्वल्स टू वन बाय न्यू, क्या होता है इनका रिलेशन टी इज इक्वल्स टू वन बाय न्यू। अब नेक्स्ट देखो स्पीड या फिर वेव वेलोसिटी, स्पीड को हम नॉर्मली वी से डेनोट करते हैं। द स्पीड ऑफ ए वेव इन मीडियम इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, यानी क्या है जो डिस्टेंस एक पर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई वेव, वो क्या होता है हमारा उसकी स्पीड होती है। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, तो यहाँ से क्या हो गया डिस्टेंस यानी लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा बाय टी। अब यहाँ से देखो न्यू इज इक्वल्स टू वन बाय टी हो जाएगा। अब वन बाय टी को क्या लिख सकते हैं न्यू लैम्डा इंटू वन बाई टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हैं न्यू। तो यहाँ से हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, क्या नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यानी ये फॉर्मूला क्या है न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होगा, यानी क्या यहाँ से हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है, ये क्या थे हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑफ साउंड वेव्स, क्या थी हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव या फिर साउंड वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक देखो अब क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंसिटी यानी वॉल्यूम ऑफ साउंड। अब देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो कि वॉल्यूम में क्या है फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, मान लीजिए हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दी किसी चीज़ की, टीवी की वॉल्यूम इंक्रीज कर दी मान लीजिए हमने, तो वहाँ पर इसका मतलब क्या है हम क्या कर रहे हैं ये चीज़ बढ़ा रहे हैं, यानी क्या है अगर लाउडर साउंड है यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या है यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है उसका, इसका मतलब क्या है वहाँ पर क्या हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, यानी हम अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है हम उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगी उस केस में लाउडर साउंड, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वहाँ पर क्या होगी क्वाइटर साउंड। ये वाली चीज़ कम होगी यानी एम्पलीट्यूड कम होगा वो क्या होगी लाउडर क्वाइटर साउंड, और पिच क्या होती है हमारी पिच को क्या बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अब देखो हायर पिच लोअर पिच, अब हाई फ्रीक्वेंसी कब होगी अगर वेव्स पास पास हैं तो इस केस में क्या होगी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अब देखो यहाँ पर दूर दूर हैं वेव्स तो इस केस में क्या होगी फ्रीक्वेंसी लो होगी, वेव्स क्या हैं दूर दूर हैं और हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है वेव्स क्या होंगी पास पास, और इवन हायर फ्रीक्वेंसी हम अगर वो करें तो देखो ऐसे होगी ये और भी ज़्यादा इसमें हायर फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि वेव्स पास पास हैं, और लोअर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं यानी जितनी दूर दूर वेव्स होगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी लो होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है ये वाली चीज़ क्या है दोनों वेव्स में, देखो ये वाली चीज़ सेम है यानी ये डिस्टेंस हम एम्पलीट्यूड सेम रख रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा वॉल्यूम सेम होगी, इस केस में क्या होगा वॉल्यूम सेम होगी, और जो नॉर्मली मैंस की आवाज़ होती है आदमियों की आवाज़ होती है वो क्या होती है मोटी यानी लोअर फ्रीक्वेंसी की होती है, और जो वीमेंस की आवाज़ होती है वो क्या होती है हायर फ्रीक्वेंसी की
होती है। ठीक है, ये था फ्रीक्वेंसी और यानी क्या था हमारा वॉल्यूम के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट देखो अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साउंड। साउंड के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड और वहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यानी पिच या फिर श्रिलनेस भी बोलते हैं हम। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, पिच या फिर श्रिलनेस, और यहाँ पर क्या है स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड सबसे हायर किस में होती है, सॉलिड में। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, सब फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है साउंड, साउंड वेव्स फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है, अभी बताया था किस में ट्रैवल करती हैं, सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद क्या है हमारे पास गैसेस है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड और फिर गैसेस में। नेक्स्ट क्या देखो, स्पीड ऑफ स्पीड इन एयर, जो साउंड की स्पीड होती है एयर में एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर कितनी होती है, वो 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 332 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्मली क्या होती है 331.5 होती है, तो हम इसको 332 ही ले लेते हैं। और एट रूम टेम्परेचर इज 340 मीटर पर सेकेंड, और रूम टेम्परेचर पे साउंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है 340 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वैल्यू क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर गिवन भी होगी, अगर नहीं गिवन है तो वहाँ पर हम स्पीड ऑफ साउंड कितनी यूज़ करेंगे, 340 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब साउंड क्या है, टेम्परेचर जो स्पीड ऑफ साउंड है, यहाँ पर देखो टेम्परेचर से रिलेटेड है ही, तो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होगी, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, बाय एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। इतनी वैल्यू से क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी अगर क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या थी, 332 मीटर पर सेकेंड, और अब इस केस में देखो अगर 1 डिग्री लें हम तो 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी हमारी, क्या होगी 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, वो 332.6 मीटर पर सेकेंड। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी हमारी, 332.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये था स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। इस तरफ देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को पिच या फिर श्रिलनेस भी बोल देते हैं हम। क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, पिच या फिर श्रिलनेस भी बोल देते हैं हम इसको। अब देखो ऑडिबल साउंड, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी होती है। ऑडिबल साउंड यानी जो हम सुन सकते हैं, और इनऑडिबल साउंड जो होती है जिसको हम सुन यानी हमारा ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो क्या होती है इनऑडिबल साउंड। और ऑडिबल साउंड क्या है, जिसको हमारे ईयर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑडिबल साउंड डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज यानी जो हमारे जो ऑडिबल साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 20 Hz to 20 kHz या फिर 20,000 Hz, यानी इस फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो क्या होती है, ऑडिबल साउंड होती है, यानी हमारे ईयर्स उस फ्रीक्वेंसी की साउंड को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईयर्स। कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो, 20 Hz से 20 kHz, कितनी है फ्रीक्वेंसी रेंज, 20 Hz से 20 kHz। ये कौन से साउंड है, ऑडिबल साउंड। अब क्या है सोनिक साउंड, इसका एग्जांपल क्या है, एक सोनिक साउंड। अब देखो इन ऑडिबल साउंड कौन सी होती है, डू नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, जो हमारे ईयर्स के द्वारा डिटेक्ट नहीं हो सकती, वो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, मोर देन 20 kHz।
अल्ट्रासोनिक साउंड को हम नहीं सुन सकते, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, मोर देन 20 किलो हर्ट्स। और जो इंफ्रासोनिक साउंड है ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, लेस देन 20 हर्ट्स, दिस इज ऑल्सो एन इनऑडिबल साउंड। ये दोनों कौन सी साउंड है, इनऑडिबल साउंड, यानी कि एक ह्यूमन ईयर इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये थे साउंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। अब इसी से रिलेटेड हैं कुछ, ये भी साउंड के ही कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। देखो क्या है, फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, मान लो आप नॉर्मली क्या कर रहे हो, टीवी की वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो या वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, ये यही होती है, यानी ये क्या होती है, वॉल्यूम होती है किसी चीज़ की। देखो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है साउंड की, जो सोर्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वो क्या होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्या है, देखो लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती है, देख लो, अब मान लो हमने क्या कर दिया, टीवी की वॉल्यूम इंक्रीज कर दी मान लो हमने, और दो लड़के बैठे हैं, एक लड़का जो बैठा है उसने ईयरफोन्स लगा रखे हैं और दूसरा जो लड़का बैठा है उसने ईयरफोन्स नहीं लगा रखे। तो यहाँ पर क्या है, देखो जिसने ईयरफोन्स लगा रखे हैं उसको क्या, जो साउंड है उसको, जो आवाज़ है उसको कम सुनाई देगी, और जिसने ईयरफोन्स नहीं लगा रखे उसको साउंड ज़्यादा सुनाई देगी, एज़ कम्पेयर टू जिसने ईयरफोन्स लगा रखे हैं उसको साउंड कम सुनाई देगी, यानी उसके लिए लाउडनेस कम होगी। द वॉल्यूम ऑफ साउंड एज पर डिटेक्टेड बाय द लिसनर, यानी उसके बीच में क्या होगी, ऑब्स्टेकल होगी, उसने क्या लगा रखे हैं, ईयरफोन्स लगा रखे हैं, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है साउंड को, यानी उसके लिए वॉल्यूम उसको कम सुनाई देगी, और जिसने ईयरफोन नहीं लगा रखे उसको क्या है, ज़्यादा सुनाई देगी आवाज़। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टोन। टोन क्या, देखो इट इज़ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। मान लो आप क्या है, कीपैड फ़ोन में क्या कर रहे हो, बटन्स दबा रहे हो, तो वहाँ पर एक ट्विंक की आवाज़ आती है, तो वो क्या होती है हमारी, टोन होती है। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। और नोट्स क्या होता है, सेट ऑफ टोन्स फ्रॉम नोट्स, सेट ऑफ टोन फॉर्म्स नोट्स। नोट्स क्या होता है, जो कई फ्रीक्वेंसीज की साउंड को मिला के नोट्स बनता है, कई फ्रीक्वेंसीज की साउंड को मिला के क्या बनता है, नोट्स बनता है। अब नेक्स्ट क्या है, मिलोडी और नॉइज। मिलोडी क्या है, इट इज़ अ प्लीजेंट साउंड, यानी जो हमारे कानों को आवाज़ अच्छी लगती है, प्लीजेंट साउंड है ये। मिलोडी को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ प्लीजेंट साउंड। और नॉइज़ क्या होता है, एक इरीटेटिंग आवाज़ होती है, एक इरीटेटिंग साउंड होती है, इट इज़ एन अनप्लीजेंट साउंड, यानी इरीटेटिंग साउंड होती है ये, एक टाइप की क्या होती है, इरीटेटिंग साउंड होती है। मिलोडी और नॉइस, ये प्लीजेंट साउंड होती है और ये अनप्लीजेंट साउंड होती है, ये हमें सुन के अच्छा लगता है, और ये इरिटेटिंग आवाज़ होती है, ये सुन के हमें अच्छा नहीं लगता।